हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन एनीमिया होने पर डॉक्टर लगाते हैं और ये इंजेक्शन केवल और केवल हॉस्पिटल में ही डॉक्टर की देखरेख में लगाया जाता है। तो आज इस इंजेक्शन की हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं हम आज का वीडियो। इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन का उपयोग सीवियर एनीमिया होने पर, यानी कि जब खून की कमी हो जाती है जिन पेशेंट में, या बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कमी है, तो इस कंडीशन में ये इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा वह कंडीशन जिसमें कि पेशेंट में किडनी की प्रॉब्लम है और जो पेशेंट डायलिसिस पर है, तो डायलिसिस के बाद ये इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि ब्लड की कमी पूरी हो सके। इसके अलावा कुछ अदर कंडीशन है जैसे एचआईवी एड्स है किसी को, या जो कैंसर के पेशेंट है जिनमें एनीमिया हुआ है, तो इस तरह की कंडीशन में सीवियर एनीमिया को ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। बात करेंगे इस इंजेक्शन के डोज की। तो ये जो इंजेक्शन है वो सबक्यूटेनियस लगाया जाता है और एक हफ्ते में 3 बार लगाया जा सकता है। इसका जो डोज है, अधिकतम डोज 150 यूनिट्स पर केजी होता है, जो कि वीक में 3 बार लगाया जा सकता है। अगर बच्चों की बात करें तो ये आईवी रूट से दिया जा सकता है और इसका जो वीकली डोजिंग होता है वो 600 यूनिट पर केजी पर वीक के हिसाब से लगाया जाता है। बात करेंगे इस इंजेक्शन के बेनिफिट्स की। तो ये इंजेक्शन होता है, इसको क्रोनिक किडनी डिसीज के पेशेंट भी लगा सकते हैं। अगर किसी भी तरह का पेशेंट है, जैसे डायलिसिस पर है, डायलिसिस पर नहीं है, अगर उसे सीवियर एनीमिया हुआ है, तो वो ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। एनीमिया वो कंडीशन होती है जिसमें कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाती पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, जिससे कि इससे होने वाला जो एनीमिया है उसको ये पूरा करती है। ये इंजेक्शन को लगाने के बाद ये उसकी कमी को पूरा करता है। और ये जो इंजेक्शन है वो एनीमिया से होने वाली थकान कमजोरी को भी दूर करने में मददगार है। अगला जो बेनिफिट है, जो कीमोथेरेपी के पेशेंट हैं, कि कैंसर है अगर किसी पेशेंट को और अगर कीमोथेरेपी उनकी चल रही है, उससे होने वाला जो एनीमिया है, तो इस कंडीशन में उसको ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि बोन मेरो से नई ब्लड सेल का निर्माण हो सके और खून की पूर्ति हो सके। ये जो इंजेक्शन है इसको लगाने से ब्लड बहुत ज़्यादा बनता है, जिससे कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उससे बचा जा सकता है। ये इंजेक्शन अपने कई ब्रांड नेम से मिलता है, जैसे इकोसिस है, वेपॉक्स है, इपोफिट है, एरीप्रो प्रेफिल है। इसके अलावा ये एरिया और डॉक्टर के हिसाब से अलग अलग नामों से मिल सकते हैं। बात करेंगे इस इंजेक्शन के कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी इस इंजेक्शन को किन किन पेशेंट में नहीं लगाना चाहिए। तो अगर आपकी बॉडी में फोलिक एसिड नहीं है, विटामिन B12 की कमी है, पोरफायरिया है, तो इन सभी कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाने से बचें। अगर इनएडिक्वेट आयरन है, आयरन की कमी से अगर आपको एनीमिया है, तो भी आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। पेशेंट में अगर सिग्निफिकेंट अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर है, तो इन कंडीशन में इस इंजेक्शन को नहीं लगाते हैं। इस इंजेक्शन के अगर साइड इफेक्ट देखें, तो इसमें जो सबसे पहला साइड इफेक्ट है कि इसको लगाने के बाद आपका बीपी हाई हो सकता है, बॉडी और जॉइंट पेन हो सकता है, फ्लू जैसे लक्षण सामने आते हैं और हाइप्स, ये सारे इसके कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करेंगे इस इंजेक्शन को लगाने के बाद कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। तो उन पेशेंट को सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है जिन पेशेंट में ब्लड क्लॉटिंग्स की प्रॉब्लम है, कैंसर के पेशेंट हैं अगर सिकल सेल एनीमिया है, इसके अलावा अगर पोरफायरिया है, ब्लड क्लॉट है, हार्ट अटैक है, इन्फेक्शन है किसी तरह का, सीजर है, स्ट्रोक है, ट्यूमर है, अगर हार्ट डिसीज है, एलर्जी है, इसके अलावा ये जो कुछ अदर मेडिकेशंस चल रहे हैं, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो इन सभी कंडीशन में सावधानी बरतने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं।
इस इंजेक्शन को लगाने के बाद सीजर हो सकते हैं, इसलिए आपको ड्राइविंग करने से बचना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये किसी और के भी काम आ सके जिसको इस वीडियो की जरूरत हो। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।